नन से रेप के आरोपी जालंधर के बिशप को पुलिस और कोर्ट से पहले चर्च ने दी क्लीन चिट, विरोध प्रदर्शन को बताया साजिश। रेप के आरोप में फंसे बिशप के खिलाफ प्रदर्शन जारी, कोची में भूख हड़ताल कर लोगों ने की गिरफ्तारी की मांग। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के अगौता इलाके में किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई, राशन डीलर की शिकायत करने पर हुआ मर्डर। ग्रेटर नोएडा में कार पार्किंग विवाद में दो दबंगों ने बुजुर्ग की जमकर पिटाई की, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें, पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। फरीदाबाद में वकील पति ने वकील पत्नी को दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया, पत्नी ने पति और ससुराल वालों पर 25 लाख दहेज मांगने और अवैध संबंध का आरोप लगाया था। पंजाब के बठिंडा में आम आदमी पार्टी के जिला परिषद के उम्मीदवार हरविंदर सिंह हिंदा की हत्या। हरियाणा के अंबाला में सेल्फी लेने के चक्कर में मालगाड़ी पर चढ़े युवक की हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से मौत। हरियाणा के जींद में अस्पताल में मरीज के रिश्तेदारों का हंगामा, लापरवाही का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों से की मारपीट। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी, छात्र की मौत के बाद परिजनों ने जमकर किया हंगामा। बाराबंकी में सामने आया अंधविश्वास का अंधा खेल, युवक ने अपनी गर्दन काटकर देवी मंदिर में बलि चढ़ाई, युवक की दर्दनाक मौत। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर की बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में दिन दहाड़े करीब 3 लाख की लूट हो गई, वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के फतेहपुर में महिला डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इंजेक्शन लगाने के बाद 3 दर्जन महिलाओं की हालत बिगड़ी, परिजनों ने जमकर काटा हंगामा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।